अब अगर मैं आपसे हैप्पी न्यू ईयर आज कहूं, आपको विश करूं हैप्पी न्यू ईयर कहते हुए, तो शायद आप समझेंगे कि या तो आज 31 दिसंबर की रात है या फिर आज 1 जनवरी है, क्योंकि आप सबकी डिक्शनरी में नए साल का मतलब है 1 जनवरी और ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 1 जनवरी को ही नया साल मनाया जाता है। लेकिन हिंदू कैलेंडर के अनुसार नया साल 1 जनवरी को नहीं बल्कि आज से शुरू हुआ है और ये नव वर्ष प्रकृति के डीएनए में भी शामिल है। आज आप भले ही इस नव वर्ष को भूल गए हों, लेकिन प्रकृति हर साल इस नए साल को सेलिब्रेट करती है, इसलिए आज हम इस नए साल का भी आपके लिए विश्लेषण करेंगे ताकि आप अपनी जड़ों से जुड़े रहें, अपने संस्कारों से आप जुड़े रहें। सिर्फ आंख बंद करके दूसरे कल्चर और दूसरे के संस्कारों को फॉलो ना करें। आज सुबह सूर्य की पहली किरणों के साथ आपका नया साल शुरू हुआ है। हिंदू कैलेंडर विक्रम संवत के मुताबिक आज नया साल है और भारत वर्ष 2078 में प्रवेश कर चुका है, यानी हिंदू कैलेंडर के मुताबिक भारत 2021 में नहीं बल्कि 57 वर्ष आगे वर्ष 2078 में है। इसलिए अब हम इसी का आपके लिए विश्लेषण करेंगे। फिलहाल पूरी दुनिया आजकल 31 दिसंबर की शाम से ही नए साल के जश्न में डूब जाती है। आपके यहां भी, आप चाहे भारत में कहीं रहते हो, यही होता होगा। और जैसे ही रात के 12 बजते हैं तो दुनिया नए साल में प्रवेश कर जाती है। 12 बजते ही लोग एक दूसरे को फोन करते हैं, मैसेजेस भेजते हैं और नए वर्ष की शुभकामनाएं देते हैं। और इस नए साल पर हर साल खूब पार्टियां होती हैं, लोग एक दूसरे से मिलते हैं, लोग अक्सर नए साल से ठीक पहले छुट्टियों पर घूमने चले जाते हैं, वेकेशन पर चले जाते हैं। रात के अंधेरे में आतिशबाजी करके नए साल का स्वागत किया जाता है, लेकिन हिंदू परंपरा में ऐसा बिल्कुल नहीं है। और आज अगर आप अपने चारों तरफ देखेंगे तो ये सब आपको अभी नजर नहीं आएगा। हमारा ये नया साल रात के अंधेरे में नहीं आता। हमारी परंपराओं में नव वर्ष पर सूर्य की पहली किरण का स्वागत किया जाता है। नया साल सूर्य की पहली किरण के साथ शुरू होता है, जबकि पश्चिमी देशों के कैलेंडर के हिसाब से रात के अंधेरे में नए साल का स्वागत किया जाता है, वेलकम किया जाता है। और दोनों कैलेंडर में ये एक बहुत बड़ा बुनियादी फर्क है। एक में नया वर्ष रात के 12 बजे शुरू होता है, आधी रात को, और दूसरे में सूर्य की पहली किरण के साथ शुरू होता है। भारत के बहुत से लोग भले ही इस नव वर्ष को भूल चुके हों, लेकिन वर्ष 1582 से पहले यही कैलेंडर हमारा अस्तित्व हुआ करता था, हमारा अस्तित्व था। वर्ष 1582 में जब रोम में ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपनाया गया तो यह संस्कृति धीरे धीरे कमजोर पकड़ने लगी। और आप तो जानते हैं जो पश्चिम की संस्कृति है वो धीरे 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 पूरी दुनिया को अपनी पकड़ में लेने लगी और बाद में पूरी दुनिया उन्हीं की संस्कृति को और उन्हीं के कैलेंडर को और उन्हीं के नए साल को, उन्हीं के संडे और मंडे को फॉलो करने लगी। कई पश्चिमी देशों ने इस कैलेंडर के मुताबिक 1 जनवरी को नए साल का शुभारंभ माना। हालांकि तब भी भारत के लोग हिंदू कैलेंडर विक्रम संवत को ही मानते थे। एक दिलचस्प जानकारी यह भी है कि आज जब आप 1 अप्रैल को अप्रैल फूल मनाते हैं तो इसके पीछे की कहानी भी इसी कैलेंडर से जुड़ी हुई है। ऐसा माना जाता है कि पश्चिमी देश उन देशों को अप्रैल फूल कहते थे जो ग्रेगोरियन कैलेंडर को नहीं मानते थे, और इनमें हमारा देश भी एक था, हम भी एक उनमें से थे जो ग्रेगोरियन कैलेंडर को नहीं मानते थे और अपना कैलेंडर मानते थे। और इसी के बाद भारत में धीरे धीरे लोगों ने पश्चिम से आए इस कैलेंडर को मानना शुरू कर दिया और आज तो चारों तरफ इसी कैलेंडर की मान्यता है। पूरा व्यापार, हर चीज उसी कैलेंडर के हिसाब से होती है। लेकिन इस कैलेंडर का वजूद ना तो मौसम से है, ना प्रकृति से है और ना ही त्योहारों से है, जबकि हिंदू कैलेंडर में ऐसा नहीं है। हम दुनिया में सबसे पुरानी संस्कृति के लोग हैं और हिंदू कैलेंडर विक्रम संवत की शुरुआत इसी चैत्र प्रतिपदा से होती है। ब्रह्म पुराण के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही सृष्टि बनी थी और इसी दिन भारतवर्ष में काल गणना भी शुरू हुई थी। इसलिए अब हम आपको हिंदू कैलेंडर और ग्रेगोरियन कैलेंडर में कुछ बुनियादी फर्क बताते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत ईसा मसीह के जन्म से मानी जाती है, जबकि हिंदू कैलेंडर विक्रम संवत की शुरुआत 57 BC से मानी जाती है, जब महाराजा विक्रमादित्य ने शकाज को युद्ध में पराजित किया था। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक भारतवर्ष वर्ष 2078 में अब प्रवेश कर चुका है, जबकि
दूसरे कैलेंडर के हिसाब से आप 2021 में हैं। भारतीय कैलेंडर की गणना सूर्य और चंद्रमा के अनुसार होती है, जबकि ग्रिगोरियन कैलेंडर पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के अनुसार चलता है। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365.25 दिनों में लगाती है, इसलिए साल में 365 दिन होते हैं और हर चार साल में एक लीप ईयर होता है। ग्रिगोरियन कैलेंडर सिर्फ एक तारीख तक सीमित है। हमें यह कैलेंडर से पता चलता है कि नया साल आ गया है। सब कुछ तारीखों पर आधारित होता है। हर साल 31 दिसंबर और 1 जनवरी को ही नया वर्ष आएगा, जबकि हिंदू कैलेंडर में ऐसा नहीं है। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जब नव वर्ष शुरू होता है तो पूरी प्रकृति नवीनता का एहसास कराती है। पुराने पीले पत्ते पेड़ से गिरने लगते हैं और प्रकृति अपने श्रृंगार की प्रक्रिया में होती है। लाल, पीले, नीले और गुलाबी फूल आपके आसपास खिलते हैं। ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी सृष्टि ही जैसे बिल्कुल नई हो गई है। ग्रिगोरियन कैलेंडर की शुरुआत नए साल की पार्टी से होती है और इस दौरान खूब जश्न मनाया जाता है, जबकि हिंदू नववर्ष की शुरुआत त्योहारों से होती है। हम इस दिन को त्योहारों की ऊर्जा के साथ मनाते हैं। कश्मीर में, अब पूरे भारत में इन त्योहारों को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, इस दिन को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ भी बहुत अलग अलग संस्कृतियाँ हैं। कश्मीर में इस दिन नवरोज, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में उगादी, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, केरल में विशु और पंजाब में बैसाखी के त्यौहार के साथ ये नया साल शुरू होता है। अब आपको कुछ और जानकारी देते हैं जो आपको शायद पता नहीं होगी। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से आज नव वर्ष शुरू हुआ है, आज आपका पहला नया साल शुरू हुआ है, उसका पहला दिन है, और मान्यता है कि सृष्टि के संचालन का दायित्व इसी दिन देवताओं ने संभाला था। विष्णु भगवान ने वर्ष प्रतिपदा के दिन ही प्रथम जीव अवतार लिया था। महाराजा विक्रमादित्य द्वारा विक्रम संवत की शुरुआत इसी चैत्र प्रतिपदा से की गई थी। भारत सरकार का राष्ट्रीय पंचांग यानी कैलेंडर इसी दिन से शुरू होता था। इसी दिन महर्षि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना भी की थी। सिख परंपरा के दूसरे गुरु अंगद देव जी का जन्म दिवस भी चैत्र प्रतिपदा ही है और इसी दिन से रात की अपेक्षा दिन बड़ा होने लगता है, लेकिन ग्रिगोरियन कैलेंडर में ऐसा नहीं होता। आज आपको यह जानकर बहुत हैरानी होगी कि आजादी के बाद नवंबर 1952 में वैज्ञानिक और औद्योगिक परिषद द्वारा पंचांग सुधार समिति की स्थापना की गई थी और इसी समिति को यह तय करना था, यह उसकी जिम्मेदारी तय की गई थी कि हमारा ऑफिशियल कैलेंडर क्या होगा। इस समिति ने वर्ष 1955 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और अपनी रिपोर्ट में विक्रम संवत को भी स्वीकार करने की सिफारिश की थी, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के आग्रह पर ग्रेगोरियन कैलेंडर को ही सरकारी कामकाज के लिए उपयुक्त मानकर 22 मार्च 1957 को इसे राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में स्वीकार कर लिया गया। इसी कैलेंडर से हम आज भी काम करते हैं, चाहे आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, दफ्तर में काम करते हो, कहीं भी कुछ भी काम करते हो, आप इसी कैलेंडर को फॉलो करते हैं, जो कि पश्चिमी देशों का दिया हुआ कैलेंडर है। और अपने कैलेंडर को आप त्योहारों के नाम पर तो फॉलो जरूर करते हैं, लेकिन आप अपने काम के हिसाब से ऑफिशियली आधिकारिक रूप से आज भी उसे फॉलो नहीं कर पाएंगे। इस नववर्ष का महत्व इसलिए भी बहुत बड़ा है क्योंकि इसी दिन से शक्ति की आराधना के पर्व नवरात्र की शुरुआत होती है और मान्यता है कि नवरात्र में महाशक्ति की पूजा करके भगवान श्री राम ने अपनी खोई हुई शक्ति प्राप्त की थी। जर्मन दार्शनिक मैक्स मुलर कहते थे, आकाश मंडल की गति, ज्ञान और काल निर्धारण का काम पहले भारत में हुआ था। सबसे हमारा मानना है कि विचारधाराएं जो भी हों, परंपराएं चाहे जो भी हों, मौसम और प्रकृति के मुताबिक वर्ष प्रतिपदा नए सृजन, वंदन और संकल्प का उत्सव है। इसमें मौसम भी बदलता है, शाम सुरमई हो जाती है, रात उदार हो जाती है। हम आज आपसे यही कहना चाहेंगे कि यह नया साल आपकी प्रकृति के डीएनए में है, आपकी संस्कृति के डीएनए में है। भले ही आप इस नववर्ष को सेलिब्रेट ना करें, लेकिन प्रकृति हर साल इस नववर्ष को ऐसे ही सेलिब्रेट करती है और इसीलिए आपको भी इस नए साल की ताकत के बारे में पता होना चाहिए, अपनी संस्कृति की ताकत के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपकी संस्कृति ही आपकी असली जड़ है। प्रेजेंटेड
Presenting B News App, available on Google Play and App Store. Download it now.